अब ये जो बंदा जो पानी लेके आया, अब आप लोग बोलेंगे कि ये सैफ अली खान है। ये भी उसका कोई हमशक्ल है। बोला क्या निकल रहा है? क्या हो गया साजू? मैं सैफ हूँ। I am सैफ अली। एक बोल रहा है मैं रितेश हूँ, एक बोल रहा है मैं सैफ हूँ। Do you believe me, सैफ? मैं असली रितेश हूँ। I'm not sure कि असली सैफ है। What do you mean you're not sure, यार? एक सेकंड, अगर आप वाकई में असली सैफ हैं, तो वाव बोलो, एक बार वाव बोलो। हाँ, करेक्ट पाजी। आप सब तो मेरा वाव जानते हो। Say hey wow man. ये क्या है? ये क्या है? इसको कौन सी बड़ी बात है? मैं भी बोल सकता हूँ। Hey wow man. मैं भी बोल सकता हूँ। Wow man. मैं बोल सकता हूँ। Hey wow. चाओ चाओ। अभी बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी सब वाव बोल रहे हैं, क्या सब सैफ अली खान हो गए? तो मैं प्रूफ करता हूँ। देखो, मेरे जेब में ना ये करीना की फोटो है। तो मेरे जेब में ना चीनी लिया की फोटो है। एक मिनट सर, एक मिनट। मेरी जेब में माधुरी दीक्षित की फोटो, तो क्या मैं डॉक्टर नेने हो गया? सर ये बातों से प्रूफ नहीं होता है। देखिए भाजी, जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नेने से मिला था और मैंने उनसे पूछा था उनकी जेब में क्या है। उनकी जेब में आपकी तस्वीर थी। एक बात जो सिर्फ साजिद खान जानता है कि मेरे बाएं झांगे पे एक तिल है। अभी आप प्रूफ करो। ये सिर्फ साजिद खान ही जानता है कि मैं जानता हूं कि साजिद के बाई जांग पे यही असली रितेश है। और सिर्फ हम तीनों जानते हैं कि सिर्फ नॉट हियर। भाई ये कहीं मेरे को बात पूछनी है सर, आप शूटिंग करेंगे कि एक दूसरे की जांग देखने गए? इसको आज से बना देते कॉमेडी नाइट्स विद साजिद। अरे सुपर बैटिंग, सुपर। एक काम करते हैं सैफ, तू इसके कंधे पे खड़े हो जा। साजिद यू स्टैंड ऑन हिज शोल्डर्स, मैं तेरे कंधे पे खड़ा होता हूँ। आई विल रीच द बॉल। तू हमारे ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर चढ़ जाएगा लेकिन हम तो ऊपर पहुंच जाएंगे। बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। हेलो जी, हेलो जी, हेलो। अभी अभी सब लोग असली हैं जी? हाँ, मैंने चेक कर लिया, सबको, तीनों को चेक कर लिया, ये तीनों ओरिजिनल हैं। लेकिन जी क्या है कि हम तीनों ओरिजिनल हैं, लेकिन मुझे इस पे शक हो रहा है। तो उसमें आपको स्विच करने में प्रॉब्लम आती थी कि आप झट से घुस जाते थे उस कैरेक्टर में? नहीं, थोड़ी मुश्किल हुई थी। कभी कभी ऐसा होता था कि सेट पे आते थे और साजिद कहते थे कि ये जो हमने सीन लिखा है ये काट दो, फेंक दो, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको नई तरह करते हैं, आप ये डायलॉग प्राण साहब की तरह डिलीवर करो। तो मैं रितेश को ऐसे देखता था, क्योंकि मैं प्राण साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं कर सकता। तो रितेश सिखाते थे मुझे कोने में ले जाके, भैया एक ट्रायंगल। कैसे कैसे? तो रितेश ने एक अजीब थोड़ा स्ट्रेंज डायरेक्शन दिया मुझे। हमको लिसन सैफ, सिर्फ एक ट्रायंगल पकड़ो अपने दिमाग में और एक एक वर्ड पे जस्ट हिट द पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं सो लाइक हेलो यंग लेडी, सैफ
आपने लड़की का किरदार भी निभाया जी, लड़की का और इफेमिनेट का, और उन दोनों में काफी फर्क है। बकायदा हमने गाना गाया, रितेश 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 इज हीरो, मैं हीरोइन, और फिर रितेश हीरोइन और मैं हीरो। मॉरिशस में बीच में हमने रोमांटिक गाना किया है साथ में। क्या बात है जी, एक एक्सपीरियंस था। लेकिन 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 मजेदार और भयानक बात दोनों कि राम हीरो और राम हीरोइन है। और राम ने जब पहली बार फीमेल अवतार को देखा तो उसने बोला हे राम। अच्छा राम राम, हाँ जी, आपकी पत्नी ने कितने बकेट हेयर रिमूवल क्रीम लगाया आपके ऊपर? बकेट नहीं थे, इनके चक्कर में गोनियां थी। बट सब मैं सीक्रेट बात बताता हूं, हम तीनों ने ये किया था बट सैफ को काफी पसंद आया, ही लाइक्स इट विदाउट एनी हेयर। प्लीज एक्सप्लेन। सी इट्स माय समर ट्रीटमेंट। एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं सीरियसली एक साइंटिफिक बात है कि जो बाल जो होते हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं। सीरियसली वो एक एक लेवल, एक लेयर हवा का एक लेवल लेयर को। अगर आप वो हेयर निकाल दो तो एटलीस्ट 2-3 degrees योर कूलर इंसान। But it's lovely. कभी कभी मैं distract होता, you know. पाजी मुझे पता क्या लग रहा है, आज ये सारा शो जो है यही करने वाले, तो मैं बाथरूम जाऊँ। Make some good jokes because you know our standard is. सैफ ने first time इनके करियर में मिमिक्री की एक्टर्स की। अमिताभ बच्चन साहब के जो हैं वो है ना, वो सैफ ने कैसे स्टाइल से डेवलप किया? Come on, tell them. Intense, intense. The loud one. जब बोर हो जाते थे सेट पे, पूरा माहौल थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता था काम कर करके थक जाते, तो रितेश हमारा बहुत मनोरंजन करता था मिमिक्री करके, रितेश के लिए जोरदार तालियां होती थी। ऑडियंस असली ऑडियंस था। शत्रुजी शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज सुनेंगे आप लोग? शत्रुजी हां वो सोनाक्षी सिन्हा आई विल डू। शत्रु जी एंड सोनाक्षी, सोनाक्षी ये मेरी डिमांड नहीं है, पब्लिक की डिमांड है, और ये लोग कर रहे हैं, मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। खबरदार बेटिया, भूख है तुझे? मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से लगता है। ऑडियंस का अप्लॉज लेने के लिए आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं नहीं इंजॉय करता हूं, बाद में घर जाके वही आपके जो भी है। बिल्कुल सही। तो क्या अभी क्या कहना चाहेंगे आप, बीवी के साथ सच्ची में मस्ती होती है जबकि यार दोस्तों के साथ होती है? यस श्योर, बीवी के साथ ज्यादा मस्ती होती है। हाय कितना डरा हुआ इंसान। कोई बात नहीं, यू नो आई जस्ट वांट टू से गॉड ब्लेस यू बिकॉज़ यू आर वेरी लकी एंड यू मेक अ ब्यूटीफुल कपल। आई जस्ट थैंक यू, दैट्स रियली नाइस, इट्स लवली। आप ये जो कवर कर रहे हैं कि आई वॉज जोकिंग, आप करीना के लिए कवर कर रहे हैं? वो शायद शो देख रही होंगी। आई थिंक आई हैव अ ग्रेट टाइम विद माय वाइफ, आई मीन अ वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आप अभी, आपको बधाई हो, आपने ठोक के झूठ बोला। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला पाजी? क्या क्या निकाले इसका? हिंदी में निष्कर्ष बोल के तो बताइए। निष्कर्ष इट्स ओके, यू आर नवाब। निष्कर्ष
निष्कर्ष निष्कर्ष निष्कर्ष